Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hamad Azhar sir, thank you so much for having us. It's a pleasure, ji. Thank you for coming. आप कैसे हैं? I'm fine, thank you very much. अभी तो दोपहर का वक्त हो रहा है, लेकिन आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह जल्दी उठना पड़ा, कुछ लोगों से मुलाकात थी तो नाश्ता रह गया. किन से मुलाकात थी? कुछ हल्के के लोग थे और कुछ पार्टी के लोग थे. हमारी पार्टी की तंजीम साजी चल रही है, उस हवाले से कुछ मशावरती एक इजलास था. अच्छा, मैं पीछे नोटिस कर रही हूँ आपकी काफ़ी सारी डिग्रीज लगी हुई हैं, एचएस इन कॉलेज की भी आपकी तस्वीर लगी हुई हैं. आप कुछ बताएंगे, व्हाट डिड यू स्टडी और आपने क्या क्या किया? ये डिग्रीज मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सो एस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है, फिर मेरी लॉ के अंदर पोस्ट ग्रेड है, मेरा बार का है. दो तस्वीरें एच एस एन की हैं और एक मैं बाहर एक बोर्डिंग स्कूल था सेमी मिलिट्री टाइप, वहाँ पर मैं कुछ अर्सा गुजारा था, वहाँ की तस्वीर है. Wow, very interesting. अच्छा ये बताइए कि नया फ़ोन नया पाकिस्तान, लोगों को बहुत गिला है कि आपने हर नए फ़ोन पर टैक्स लगा दिया, ये इंसाफ तो नहीं ना हमारे साथ? देखें, टैक्स तो सारी दुनिया में फ़ोन्स नए पे है और तकरीबन उसी रेट्स पे है जिस रेट्स पे हमने लगाया है. इससे फ़ायदा हमें ये हुआ है कि पिछले साल जो स्मगलिंग है वो मुकम्मल हो गई है, 49% इंक्रीज़ हुआ है. फॉर्मल चैनल से जो फ़ोन्स आ रहे हैं 20-25 अरब रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है और असेंबली बढ़ गई है पाकिस्तान में, 8,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं इससे. और दूसरे मुल्क अब हमारा ये कानून कॉपी कर रहे हैं तो एक फ़ायदेमंद चीज़ है. तो ये टैक्स हम क्या ज़िंदगी भर हमें देना पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है हमने पहले ज़्यादा टैक्स लगाया है, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ. इंशाल्लाह अगले बजट में इसको काफ़ी कम कर देंगे. अच्छा, आपको तो वीकेंड ही मिलता होगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग टू डू ऑन द वीकेंड? वीकेंड मुझे वाकई नहीं मिलता, जब से मैंने इलेक्शन जीता फिर मैं मिनिस्टर बना तो मेरा ख्याल है एक भी वीकेंड ऐसा नहीं है कि जो मैंने जिस पर छुट्टी की हो. वीकेंड मेरा गुजरता है या तो दफ्तर में ही, इस्लामाबाद में हम कोई काम कर रहे होते हैं जो सारे हफ्ते में नहीं हो सका, या संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं लाहौर में अपने हल्के में पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक गुजारूँ. हाँ, इंटरेस्टिंग. मैंने ये भी सुना आपको गार्डनिंग का बड़ा शौक है, हम आपका गार्डन देख सकते हैं? बिल्कुल, आए. ओह, थैंक यू. चलिए रास्ते में आपसे थोड़े सवाल पूछते चलते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इमरान खान? इमरान खान के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो एक अनकन्वेंशनल आदमी है, पॉलिटिशियन है. वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो लीडर है. ही चेजेस ड्रीम्स, यू नो, एंड ही इंस्पायर्स अदर पीपल कि आप भी बड़ा ख्वाब देखें, अपने खौफ जो हैं अंदर के उनको ख़त्म करें, सेल्फलेस तरीके से एक बड़े एम्बिशन के पीछे चेज करें. यह सबसे अच्छी चीज़ है इमरान खान के बारे में. आपने जब बजट की स्पीच दी थी तो उसके दौरान रकस पर किससे सबसे ज़्यादा, किस पर आपको गुस्सा चढ़ा? अब तो मुझे याद भी नहीं कि कौन कौन क्या क्या रकस क्रिएट कर रहा था, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग ज़्यादा लेक्चर देते हैं जमहूरियत पे और फहमो फरासत की बातें करते हैं और बड़ा हमें जमहूरी रवायात पे हम न्यू कमर्स को लेक्चर देते हैं, सबसे ज़्यादा शोर वही मचा रहे थे. पाकिस्तान हैज रिसेंटली बिकम द 20th बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड, हेल्थ, एजुकेशन या डिफेंस? जाहिर है हम एक स्ट्रेटिजिकली बड़े सिक्योरिटी एरिया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले हेल्थ को तरजीह दूंगा. जो बुनियादी सेहत की सहूलत है, मैं समझता हूँ वो हर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है. CNN ट्रैवलर ने लिस्ट किया पाकिस्तान को टॉप 20 डेस्टिनेशंस टू विजिट इन 2020. व्हिच इज द वन प्लेस इन पाकिस्तान ऑल टूरिस्ट मस्ट विजिट? लाहौर. लाहौर? बिल्कुल. क्यों? जिंदा दिलाने लाहौर का जो ये शहर है, ऐसा शहर दुनिया में कोई नहीं है, मैं इसको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ. अच्छा, तो ये बताएं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कोई आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जो फैट एफ के दो एक्शन प्लान हैं उनमें से एक एक्शन प्लान हमने कंप्लीट करना है पाकिस्तान के लिए. लेकिन ये तो आपका प्रोफेशनल हो गया, कोई पर्सनल रेजोल्यूशन है? पर्सनल रेजोल्यूशन तो यही है कि यू नो, मैं जब से इसमें आया हूँ गवर्नमेंट में, मैं पहले बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल फिटनेस पे गौर करता था, अब मेरी थोड़ी उस तरह नहीं रही, मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए. आप चाय पीते? जी, आप चाय पीते? चाय पीता हूँ, आइए चाय पीते हैं, पहले चाय पीते हैं. लेकिन आपने ये तो कहा है कि पीटीआई में रहकर एक्सरसाइज ना करें तो वैसे ही आपको एहसास कमतरी का शिकार आप शाहकार हो जाते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. व्हाट डज योर वर्कआउट रूटीन लुक लाइक? मेरी वर्कआउट रूटीन ये है कि सबसे पहले तो मैं भागता हूँ 4-5 किलोमीटर. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब मुझे मौका मिले मैं भागूँ. वंस अ वीक अगर कोशिश करूँ तो मैं जिम चला जाता हूँ या स्विमिंग के लिए अगर कभी मौका मिले. पहले तो मैं बहुत करता था इलेक्शन से पहले. आए बैठें प्लीज़. ओ, थैंक यू सो मच. तो 5 किलोमीटर का एक रन, बीच में थोड़ा सा रेस्ट आफ्टर 2.5 किलोमीटर्स, ये इज़ यूजली मेरी वर्कआउट रूटीन है. अच्छा, आपने कभी इमरान खान के साथ भाग दौड़ की है? नहीं, खान साहब के साथ कभी नहीं किया ना. आई डोंट थिंक आई कैन कीप अप विद हिज फिटनेस रेजीम. हाउ इंटरेस्टिंग. बिलावल या मरियम, हु डू यू थिंक हैज अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर? देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो डिनेस्टीज़ की बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स है, ये अब इसका सूरज गुरूब हो चुका है, तो दोनों का ही मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिमिनिश होता जाएगा, ये जो हमारा कल्चर है डायनेस्टीज़ का. अच्छा, आई नो आई वेटिंग फॉर चाय, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर गार्डन, तो हम बाहर जा सकते हैं? लेट्स गो. अच्छा, व्हाइल वी वेटिंग, ये तो बताएं, फवाद या शेख रशीद, हु हैज अ बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर? मेरा ख्याल है फवाद चौधरी, आई थिंक. अच्छा, इंटरेस्टिंग. इसाक डार या हफीज शेख? हफीज शेख बाय लॉन्ग स्ट्रेच. हफीज शेख ऑफ कोर्स.
आपने एज वी डिस्कस सारी एजुकेशन लंदन में हासिल की, व्हाट्स द वन थिंग यू मिस अबाउट लंदन? लंदन में मैं जिस तरह मेरे पास लंदन में कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मेरे पास वो नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करता था या पैदल बहुत ज़्यादा मैं यूनिवर्सिटी जाता था आता था, स्टूडेंट हॉस्टल्स में मैंने ज़्यादातर अपना वक्त गुजारा, वहाँ पर कोई मेरा अपना वहाँ फ्लैट नहीं या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मैं वो लाइफ स्टाइल जो स्टूडेंट हॉस्टल्स का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है वो मैं मिस करता हूँ लंदन का। आई जी, हमने सुना है कि आप टी वी सीजन बड़े शौक से देखते हैं, विच सीज़न इज़ योर फेवरेट? मैंने एक ही सीज़न, मैं ज़्यादा क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिलता था पहले भी और अब भी देखने का, एक ही सीज़न है जो मैं मुकम्मल देख सका था, वो था गेम ऑफ थ्रोन्स। बाकी मैं थोड़े से देखता हूँ, उसके बाद वो मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता, मैं फिर भूल ही जाता हूँ। फिनाली कैसी लगी? क्या कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की फिनाली? फिनाले थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी फ्रेंकली, मेरा ख्याल था थोड़ी ज़रा ज़्यादा अपबीट होएगी और ज़रा ज़्यादा ड्रामेटिक होएगी। इट वॉज बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। आई एग्री। आपने 2017 में कहा था कि इफ यू कुड से वन पर्सन फ्रॉम नवाज़, जरदारी या फजल रहमान, यू वुड पिक नवाज़। क्या आपका आंसर अभी भी वही है? दैट वाज अबाउट द लेसर ईविल। उस वक्त मैंने ये सोचा क्योंकि नवाज़ साहब अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो उनको किसी को तो बचाना चाहिए ना। लेकिन अब मुझे ये पता लगा है कि दे आर ऑल द सेम, इट्स ऑल वन एंड द सेम। पीटीआई में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? आप इसे मानेंगी नहीं लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ, इमरान खान। अच्छा, लेकिन आप भाग दौड़ तो उनसे करते नहीं हैं। अब ये तो नहीं कि जो खान साहब के साथ भागता नहीं है वो उनका दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन मेरी खान साहब के साथ एक फॉर्मल बट वेरी फ्रैंक एंड क्लोज रिलेशनशिप है, और आज से नहीं है, 10-11 साल से। हाँ, लवली। अच्छा ये तो बताएं, आई नो यू प्लांटेड ऑल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स योरसेल्फ, और आप इंटरेस्ट आपने इसमें खुद आपका है, आप कुछ बताएंगे अपने गार्डन के बारे में? कितनी देर आपको लगी लगाने में और क्या क्या किया? गार्डन जो है ये मैंने सारा रीडू किया था आज से कोई 10-12 साल पहले, और मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ट्रिमिंग करूं और जब मुझे वॉक मौका मिले, अब इतना नहीं मिलता और पहले बहुत ज़्यादा मिलता था। ये सारी बुशेस को मैं खुद ट्रिम करता था, ट्रीज़ को मैं खुद प्लांट करता था। ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं बुशेस और श्रब्स लगाऊं, फ्लावर्स आप यहाँ कम देखेंगे क्योंकि फ़्लावर्स सीजनल होते हैं और बुशेस एवरग्रीन होती हैं। तो ये सारे जो हैं मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे उस वक्त, और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें कैरेक्टर डालता रहा हूँ। बचपन से है, मैं जब छोटा सा भी होता था तो जो घर में माली काम करने आते थे मैं उनके साथ पानी भी देता था, उनसे मैं सीखता भी था ये सारा कुछ। और आज भी जब मैं अपने हाथ से ये काम करता था तो सबसे ज़्यादा बंदा मेंटली रिलैक्स होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ नेचर के सबसे करीब है ये चीज़। एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया था कि आप टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो आपने काफ़ी सीरियस एक्शन लिया था, उस एक्शन का क्या बना? मैं पैमरा के पास गया, पैमरा ने एक बैठाया काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने पहली हियरिंग में फैसला किया कि जर्नलिस्ट झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। जर्नलिस्ट वो उस चैनल को फाइन किया और जर्नलिस्ट से कहा कि उस चैनल से कहा कि मेरे से माफ़ी मांगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने मूडीज़ की लेटेस्ट रिपोर्ट और पाकिस्तान इकोनॉमी को वेलकम किया है, जब रिपोर्ट ने पॉलिसीज़ की बुराई की थी तब क्रेडिबिलिटी को डाउट क्यों किया था? रिपोर्ट ने कभी हमारी पॉलिसीज़ की बुराई नहीं की थी, ये लास्ट रिपोर्ट पहले आई थी June 20th को, और वो PMLN की गवर्नमेंट के दौरानिए के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आई थी, तो वो सारा उन्होंने PMLN की गवर्नमेंट के बारे में लिखा था कि किस तरह इन्होंने मैक्रो इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर तो अब उनकी पहली रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपोजिशन कहती है कि आपकी गवर्नमेंट की पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इज एलिमिनेटिंग द पुअर, आप क्या कहेंगे? खैर, ये बड़ा पुराना नारा हो चुका है, मेरा ख्याल है जब से मैं बचपन से था मैं ये सोच सुनता आ रहा हूँ कि सियासतदान कहते हैं कि जी गुर्बत नहीं ख़त्म कर रहे, गरीब ख़त्म कर रहे हैं। इस डायलॉग को मेरे ख्याल है 40 साल हो गए पाकिस्तान में, आपको नया डायलॉग सोच लेना चाहिए उन्हें। हमारा जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, हम पहली गवर्नमेंट है जिसने पहले साल में उसे डबल कर दिया है, 110 से 120 अरब से 190 अरब पे हम ले गए हैं। आपको लगता है कि PMLN के लोग इकॉनमी को समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने बजट के अंदर गुफ्तगू सुनी, उनके टॉप लीडर्स की भी गुफ्तगू सुनी, बड़ी सतह की बातें, कुछ बुनियादी गलतियां कर देते हैं जब कमेंट्री कर रहे होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशनल एस्पेक्ट्स का उन्हें पता नहीं होता लेकिन फिर भी तकरीर और कमेंट्री पूरी करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको उस तरह का, उनकी जो ऊपर टॉप लीडरशिप है उसको ग्रास्प नहीं है। एक साल में डॉलर कहाँ होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट ड्रिवन है। अभी तक तो हमें लग रहा है कि थोड़ा अप्रीशिएट ही, मतलब रुपी जो है वो अप्रीशिएट हो रहा है और डॉलर पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल तो सस्ता हो रहा है, लेकिन ये मार्केट डायनेमिक्स के ऊपर होता है। इस पर मार्केट को प्रिडिक्ट करना तो जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी, इवन उनके लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए। टमाटर की क्या कीमत होगी? टमाटर की कीमतें अब नीचे आ चुकी हैं आपको पता है। अच्छा। और इंशाल्लाह और नीचे आ जाएंगी। हमारी जो ट्रेड है इंडिया के साथ जब वो सस्पेंड हुई है तो उसकी वजह से टमाटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा ऊपर शूट कर गई, लेकिन अब उसका नीचे की तरफ ट्रेंड है। व्हाट फ्यूचर डू यू सी फॉर पाकिस्तान?
पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है, इतनी हम छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के हिसाब से आप देखें, और हमारी यंग पॉपुलेशन है ज़्यादातर मेजॉरिटी, इतनी यंग पॉपुलेशन और इतना बड़ा मुल्क और पांच दरिया होना और पांच चार सीजन्स एक वक्त में होना और हर तरह की टेरेन होना, लश ग्रीन आपके फसलों से ले के सरसब्ज पहाड़ों से ले के बलूचिस्तान के मिनरल्स वाले पहाड़ ले के, तो ये मुल्क जो है अगर हम इसकी मैनेजमेंट ठीक कर लें, अगर हम यहाँ से करप्शन को ख़त्म कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ये जो टॉप आपके मुल्कों की दौड़ है उसके अंदर शामिल होएगा। अच्छा वो था तो मेरा आखिरी सवाल, लेकिन एक और सवाल, नवाज शरीफ की रिपोर्ट अब आ गई है और जो ब्रितानी डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि वो वाकई बहुत शदीद बीमार हैं, अब पीटीआई या आप इस बात पे क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या प्लेटेड ड्रामा किया था या नहीं? देखें ये अल्लाह बेहतर जानता है, किसी की सेहत पर हम सियासत तो नहीं खेलना चाहते, अगर वो वाकई बीमार हैं हकीकी तौर पर बीमार हैं तो हमारी दुआ उनके साथ है और जेन्युइनली दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। अगर किसी ने सेहत को सियासत बनाने की कोशिश की है और उस पर सियासत खेलने की कोशिश की है तो ये अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल हमारी तो दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा आप चाय मिक्स लेते हैं टी बैग? जी आप चाय मिक्स लेते हैं टी बैग? जो मिल जाए। अब हमें कौन सी चाय देंगे? आपको मैं मिक्स चाय देता हूँ। चलिए फैंटास्टिक, चलिए लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। थैंक यू।